हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है हम पढ़ रहे हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप्स। आज जो हम पढ़ेंगे वो है नेस्टेड लूप्स। इसके पहले हमने व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, फॉर लूप, इन तीनों लूप्स को पढ़ लिया है। आज हम देखेंगे कि नेस्टेड लूप क्या होता है। ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का है। आज हम देखेंगे कि नेस्टेड लूप क्या होता है, व्हाट इज नेस्टेड लूप। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं इसकी डिफिनेशन। अ लूप विच कंटेन इनसाइड अनदर लूप कॉल्ड नेस्टेड लूप, यानी कि एक ऐसा लूप जो कि क्या करता है, अपने अंदर किसी दूसरे लूप को कंटेन करके रखता है, उसके अंदर दूसरा लूप हम यूज करते हैं, वही हमारा क्या होता है, नेस्टेड लूप होता है। यानी कि लूप्स के अंदर हम लूप्स लगाते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, नेस्टेड लूप कहलाता है। चाहे आप फॉर लूप के अंदर फॉर लूप का यूज करो, या फिर व्हाइल लूप के अंदर व्हाइल लूप का यूज करो, या फिर डू व्हाइल लूप के अंदर डू व्हाइल लूप का यूज करो, यानी लूप्स के अंदर लूप्स को अगर हम लगाते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, नेस्टेड लूप कहलाता है। अब इसके सिंटैक्स को हम देखते हैं। सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स इसका जो होता है नेस्टेड लूप का, उसमें क्या होता है, सबसे पहले एक फॉर लूप, उसके बाद एक और फॉर लूप, यानी कि हमारा क्या है, आउटर लूप है, और ये वाला हमारा क्या है, इनर लूप है। यानी कि फॉर लूप का जो हमारा स्टेटमेंट होता है, जो सिंटैक्स होता है, सेम उसको लिखा और उसके अंदर एक फॉर लूप और लगा दिया, यानी कि एक लूप के अंदर दूसरे लूप को यूज करना ही क्या कहलाता है, हमारा नेस्टेड लूप कहलाता है। लूप के अंदर लूप को हमने लगा रखा है। फर्स्ट जो हमारा फॉर लूप है ये क्या करता है, ये हमारा आउटर लूप होता है, यानी आउटर लूप की कंडीशन क्या होगी ये उसको चेक करता है, और जो हमारा उसके अंदर लूप लगा होता है यानी ये इनर लूप होता है, ये अंदर की कंडीशन क्या होगी ये उसको चेक करता है। उसके बाद सबसे पहले हम फॉर लूप लिखते हैं, उसके बाद इसका इनिशियलाइजेशन होता है, फिर इसकी कंडीशन होती है, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है हमारा। यानी कि आप फॉर लूप आउटर लूप के लिए कोई एक इनिशियलाइजेशन करेंगे, यानी डिक्लेरेशन करेंगे वेरिएबल का, उसके बाद उसकी कंडीशन देंगे कि हमारा आउटर लूप कब तक रन करना चाहिए, उसके बाद आप उसे क्या कर देंगे, अपडेट करेंगे, यानी या तो इंक्रीज करेंगे वैल्यू को, या तो क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, यानी कि आपको अपडेशन भी देना होगा। उसके बाद क्या होता है हमारा, जब ये हमारी कंडीशन यानी फॉर लूप की, आउटर वाले लूप के फॉर लूप की कंडीशन जब हमारी ट्रू होगी, तभी हमारा इनर लूप क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, यानी कि रन होगा। जैसे ही हमारी इसकी कंडीशन ट्रू होती है, वैसे हम किसके अंदर आ जाते हैं, फॉर लूप जो इनर वाला लूप है उस लूप के अंदर आ जाते हैं। फिर इसकी जो कंडीशन होगी वो चेक होगी, यानी इसका भी इनिशियलाइजेशन होगा, कंडीशन होगी, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर होगा, यानी इनिशियलाइजेशन करेंगे, कंडीशन देंगे और अपडेशन देंगे। उसके बाद जैसे हमारी ये कंडीशन ट्रू हो जाती है और इनर लूप वाली, उसके बाद जो भी हमारा स्टेटमेंट होगा, यानी आप जो भी यहाँ पर मैसेज देना चाहते हैं, प्रिंट कराना चाहते हैं, एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, वो मैसेज आपको क्या होगा, प्रिंट में मिल जाएगा। इसकी सेम कंडीशन ये होती है फॉर लूप, इसकी कर्ली ब्रेसेस होगी, जो कि क्या होगा, इसी कर्ली ब्रेसेस के अंदर इसका इनर लूप लिखा जाएगा, फॉर लूप के अंदर सेकेंड वाला फॉर लूप लिखा जाएगा, और इसकी जो बॉडी क्लोज हो रही है वो यहाँ पर हो रही है, जो हमारे आउटर वाले फॉर लूप की बॉडी क्लोज हो रही है वो सबसे लास्ट में हो रही है, और जो हमारे इनर वाले लूप की बॉडी क्लोज हो रही है वो यहाँ पर हो रही है। यानी कि इनर वाले बॉडी के अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं, और ये स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट होगा जब हमारे फॉर लूप की, यानी दोनों फॉर लूप की कंडीशन, आउटर लूप और इनर लूप दोनों की कंडीशन ट्रू होगी, तभी हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज क्या हो जाएगा, हमारा जो प्रोग्राम है वो टर्मिनेट कर जाएगा, यानी हमें इससे बाहर कर देगा लूप से। तो ये था हमारा टॉपिक, क्या था, नेस्टेड लूप। हमने इसके सिंटैक्स को समझ लिया। अगर हम यहीं पर एक एग्जांपल दें आपको, हमें करना क्या है, मान लीजिए हमें क्या कराना है, किसी भी पैटर्न को, मान लीजिए हमें स्टार पैटर्न को प्रिंट कराना है। अब स्टार पैटर्न को प्रिंट कराने के लिए हमें सिंपल सा इसी सिंटैक्स के ऊपर क्या करना होता है, लॉजिक डिफाइन करना होता है। मान लीजिए आप इनिशियलाइजेशन यहाँ पर करेंगे, कोई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, उसकी स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगी आप उसे देंगे, कंडीशन आपका वो लूप कब तक चलना चाहिए, उसके बाद कब एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए, किसके बाद टर्मिनेट कर जाना चाहिए, वो कंडीशन हम यहाँ पर देंगे, उसके बाद वैल्यू अपडेट होनी चाहिए इसको देंगे। मान लीजिए हमें करना क्या है, हमें स्टार को प्रिंट कराना है, स्टार पैटर्न को प्रिंट कराना है। वो हमारे स्टार पैटर्न क्या है, यहाँ पर मान लीजिए एक स्टार पैटर्न ये हो गया, उसके बाद सेकेंड लाइन में डबल कर दिया और थर्ड लाइन में मैंने ट्रिपल कर दिया। ये स्टार पैटर्न को हमें क्या करना है, हमें प्रिंट करना है, इसको हमें इसे आउटपुट में प्रिंट कराना है। अगर हम यहाँ पर देखें,
अगर हम इसे सिंपली से देखते हैं तो 1 2 3, यानी कि ये जो हमारा ये वाला पार्ट होता है, ये ऊपर वाली लाइनिंग जो ऐसे होती है, ये क्या होती है, हमारी कॉलम होती है, और ये जो डाउन आई है नीचे की साइड को, ये हमारे क्या होते हैं, रोज होते हैं। यानी कि कॉलम और रो के फॉर्म में हमारा क्या है, स्टार पैटर्न है। लेकिन अगर हम इसे और आसान तरीके से समझें, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर स्टार पैटर्न को प्रिंट कराना है। प्रिंट कराने के लिए, अगर हमें किसी भी पैटर्न को प्रिंट कराना है, तो सबसे पहले हमें 3 स्टेप ध्यान में रखना चाहिए, जिसमें से फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट आपको आउटर लूप, सबसे पहले हमारे आउटर लूप की कंडीशन दी जाती है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका आउटर लूप है वो कितनी टाइम्स तक रन करना चाहिए। तो यहाँ पर हमने कितनी लाइंस लिख रखी है, यानी कि आपकी आउटर वाली लाइन कितनी टाइम्स में है, 1 2 3, 3 टाइम्स है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, जो आउटर लूप की कंडीशन देंगे, यानी कि हम इसको एक को लाइन ले लेते हैं और एक को स्टार ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने दे दिया कि हमारा जो लाइन है वो कितनी टाइम्स रन होना चाहिए, 3 टाइम्स, और उसके बाद ये हमारे आउटर लूप में लिखा जाएगा। आउटर लूप में उसके बाद आपको क्या कंडीशन देनी है, इनर लूप की। आउटर लूप की कंडीशन हमने दे दी, अब हमें इनर लूप भी बताना होगा। अब हमें ये देखना होगा, सबसे पहले हम आउटर लूप डिफाइन करते हैं, यानी कि आपका आउटर लूप क्या होगा, उसके बाद आपका इनर लूप की कंडीशन क्या होगी, यानी कि आपको कितनी टाइम्स तक लाइन को प्रिंट कराना है, उसके बाद जो हमारी लाइन प्रिंट हो रही है उसमें आप क्या प्रिंट करा रहे हो, जो भी चीज प्रिंट करा रहे हो वो किस फॉर्मेट में प्रिंट हो रही है। तो यहाँ पर जो हमारी लाइन यानी कि स्टार जो प्रिंट हो रहे हैं वो कैसे प्रिंट हो रहे हैं, किस क्रम में प्रिंट हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, कैसे प्रिंट हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा स्टार है ये प्रिंट हो रहा है, यानी यहाँ पर जो हमारी लाइन है, अगर हम यहाँ पर देखें तो स्टार 1 यानी कि 1 स्टार है, तो ये कितनी लाइन है, ये लाइन नंबर 1 हो गई, और स्टार कितने हो गए, स्टार कितनी बार प्रिंट होना चाहिए, 1 टाइम्स यानी कि। और सेकेंड लाइन जो हमारी है उसमें 2 स्टार प्रिंट हो रहे हैं, तो हमारी कौन सी लाइन हो गई, लाइन नंबर हो गई 2, और स्टार कितने प्रिंट हो रहे हैं, यहाँ पर स्टार 2 प्रिंट हो रहे हैं। और इसी प्रकार से हमारा थर्ड वाला जो हो गया, यहाँ पर हमने 3 स्टार को प्रिंट कर रखा है, तो ये लाइन कौन सी हो गई, 3 हो गई, और स्टार कितने प्रिंट हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं। इसी प्रकार से आप जितने भी प्रिंट कराना चाहते हैं तो प्रिंट करा सकते हैं। तो इसमें हो क्या रहा है, इसमें जो हमारा आउटर लूप है वो जितनी बार रन कर रहा है, यानी जितनी बार वो क्या हो रहा है, रन कर रहा है, उतने ही स्टार हमें प्रिंट में मिल रहे हैं। यानी कि जितनी नंबर्स ऑफ हमारी लाइन होगी उतने नंबर्स ऑफ स्टार हमें प्रिंट में मिलेंगे। लाइन 1 है तो 1 ही स्टार प्रिंट हो रहा है, लाइन 2 है तो 2 स्टार प्रिंट हो रहा है, लाइन 3 है तो 3 स्टार हमें प्रिंट में मिल रहा है। इसी प्रकार से लाइन 4 होगी तो 4 स्टार हमें प्रिंट में मिलेंगे, 5 होगी तो 5 प्रिंट में मिलेंगे। यानी जितनी हमारी लाइन होगी, जितनी बार हमारा आउटर लूप एग्जीक्यूट होगा, जितनी लाइन के टाइम, उतने टाइम्स हमारे क्या होंगे, स्टार पैटर्न प्रिंट होंगे। तो ये हमारा टॉपिक था। अब हम सबसे पहले इसे क्या करते हैं, प्रोग्राम करके देखते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, ड्राई रन करके समझेंगे कि किस प्रकार से हमें स्टार पैटर्न प्रिंट में मिल रहे हैं। सबसे पहले हम अपने कोड एडिटर पर आ जाते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, प्रिंट द स्टार पैटर्न यूजिंग नेस्टेड लूप, यानी नेस्टेड लूप का यूज करके हमें क्या करना है, स्टार पैटर्न को प्रिंट करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर अपना बॉयलर प्लेट कोड लिख रखा है, जो कि सभी प्रोग्राम में लिखा जाता है। इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपल सा जो हमारा सिंटैक्स था उसी पे हमें क्या करना है, अपने लॉजिक को डिफाइन कर देना है। सबसे पहले हमारा क्या था, फॉर लूप था, यानी कि हमारा कौन सा फॉर लूप होगा, यहाँ पर हम कमेंट में डाल देते हैं आउटर लूप, ये हमारा आउटर लूप होगा। अब आउटर लूप में क्या कंडीशन हमें देनी है, कि हमारी लाइन जो है वो कितने टाइम्स तक रन करनी चाहिए। तो आउटर लूप में सबसे पहले इनिशियलाइजेशन था, फॉर लूप के अंदर इनिशियलाइजेशन में हम दे देते हैं, जो हमारा इनिशियलाइजेशन है वो इंटीजर टाइप का है, इंटीजर है, और हम लाइन क्या कर रहे हैं, लाइन इक्वल 1 कर दे रहे हैं, और जो हमारी लाइन स्टार्ट होनी चाहिए इनिशियलाइज कर दिया हमने, यहाँ पर कंपाइलर को बता दिया कि हमारी लाइन 1 से स्टार्ट होनी चाहिए। उसके बाद हमारी लाइन कब तक रन करनी चाहिए, यानी कब तक हमारी लाइन चलनी चाहिए, तो यहाँ पर हम दे देंगे लाइन लेस देन इक्वल 3 टाइम्स, यानी कि जब तक हमारी लाइन की वैल्यू 3 नहीं हो जाती है, या फिर 3 के इक्वल नहीं हो जाती है, या फिर इससे कम रहती है, तब तक हमारा लूप क्या होते रहना चाहिए, हमारी ये कंडीशन ट्रू होते रहने चाहिए, और हमारा जो स्टेटमेंट है यानी कि जो हमारा इनर लूप होगा वो एग्जीक्यूट होते रहना चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले हमने यहाँ पर लाइन की कंडीशन दे दी,
अब यहाँ पर हमें क्या करना है, लाइन की वैल्यू को अपडेट कर देना है, तो लाइन प्लस प्लस कर देंगे हम। उसके बाद हम इसके कर्ली ब्रेसेस को ओपन करेंगे। अब हमने यहाँ पर आउटर लूप तो डिफाइन कर दिया, यानी कि जो हमारा आउटर लूप है ये इसका स्टार पैटर्न का, 3 times हमें आउटर लूप को चलाना है, 1st, 2nd, 3rd, यानी 3 lines हमें प्रिंट करानी है। तो 3 lines प्रिंट करने के लिए हमने यहाँ पर कंडीशन डाल दी है, लेकिन अब वो 3 lines में क्या प्रिंट हो रहा है और वो कितनी टाइम्स प्रिंट हो रहा है उसको बताने के लिए अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर होगा हमारा इनर लूप। इनर लूप में क्या कंडीशन देनी होगी, फॉर लूप लगाएंगे, कंडीशन यानी सारे स्टेटमेंट सेम होंगे। अब क्या करना है हमें, जो हम प्रिंट क्या कराना चाहते हैं, स्टार प्रिंट कराना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर स्टार नेम का वेरिएबल बना लेंगे। स्टार नेम का वेरिएबल बना लिया और इसकी भी स्टार्टिंग वैल्यू मैंने कहाँ से दे दी, 1 से, क्योंकि जो हमारा यहाँ पर आउटर लूप रन कर रहा है 1st line में एक ही स्टार प्रिंट हो रहा है, तो इसलिए हमने स्टार्टिंग क्या दे दी, 1 दे दी, क्योंकि जितने टाइम्स हमारी लाइन होगी उतने टाइम्स हमें स्टार प्रिंट में मिलने चाहिए। उसके बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है यहाँ पर कि कितनी टाइम्स तक हमारे स्टार प्रिंट होते रहने चाहिए, तो जब तक हमारे स्टार की वैल्यू लाइन के इक्वल रहेगी तब तक हमें स्टार प्रिंट में मिलते रहने चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, स्टार कर दिया, स्टार लेस देन इक्वल क्या कर दिया, लाइन की, यानी जितनी टाइम्स हमारी लाइन होगी उतने टाइम्स हमारे स्टार प्रिंट होंगे। उसके बाद स्टार की वैल्यू को हमने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। अब क्या करेंगे, अब हमें थर्ड पॉइंट क्या ध्यान में रखना है, थर्ड पॉइंट हमारा था कि अब हम प्रिंट क्या करा रहे हैं। अभी तक था जो हम प्रिंट करा रहे हैं वो कैसे प्रिंट हो रहा है, लेकिन अब हमें ये देखना है कि जो भी हम प्रिंट करा रहे हैं वो क्या प्रिंट करा रहे हैं, नंबर है, स्टार है, कोई पैटर्न है, क्या प्रिंट करा रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या प्रिंट करा रहे हैं, स्टार, तो हम यहाँ पर printf लिखेंगे और ये कंडीशन स्टेटमेंट हमें किसके अंदर लिखनी है, जो हमारा इनर लूप है। तो यहाँ पर हमें स्टार पैटर्न प्रिंट कराना है, तो हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्टार पैटर्न को दे दिया। गलती से भी आपको यहाँ पर \n का यूज नहीं करना है, नहीं तो हमें स्टार पैटर्न इस फॉर्मेट में नहीं मिलेगा। अगर आपकी कंडीशन ट्रू भी होती है तो एक एक करके ये अलग अलग लाइन में प्रिंट कर देगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, आउटर लूप की जब कंडीशन ट्रू होगी, यानी कि जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमें एक स्टार पैटर्न प्रिंट में मिल जाएगा। जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक हमें स्टार पैटर्न प्रिंट में मिलता रहेगा। जैसे ही हमारे इनर लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाती है, वैसे ही हमें क्या मिलना चाहिए, हमें एक न्यू लाइन मिलनी चाहिए, यानी कि जैसे यहाँ पर 1 times ये प्रिंट हुआ उसके बाद कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है, तो हमें क्या कर दे, हमारा कर्सर कंपाइलर 2nd line में कर दे, तब वहां से फिर से इसकी वैल्यू स्टार्ट हो। तो इसलिए अब हम यहाँ पर क्या दे देंगे, यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे printf, उसके बाद यहाँ पर हम दे देंगे \n, क्योंकि हमें ये नेक्स्ट लाइन में भेज दे, दूसरी लाइन दे दे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने कोड को फिर से हम क्या करेंगे, जैसे ही नेक्स्ट लाइन हमें मिलेगी फिर से हम इस वाले आउटर वाले लूप के अंदर आएंगे, फिर कंडीशन चेक करेंगे, फिर कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो फिर हम इनर लूप के अंदर आएंगे, फिर हमारी कंडीशन इनर लूप की ट्रू होती है तो हमें स्टार पैटर्न प्रिंट में मिल जाएगा। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमें एक न्यू लाइन प्रिंट में मिलेगी। उसके बाद फिर से ये फॉर लूप की कंडीशन चेक होगी, यानी जब तक हमारा आउटर लूप की कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक हमारा क्या होगा, जो इनर लूप होगा यानी कि वो एग्जीक्यूट होगा। जब तक दोनों लूप की कंडीशन ट्रू नहीं होगी तब तक हमारा स्टेटमेंट प्रिंट में नहीं मिलेगा। अब हम क्या करते हैं, इसे कंट्रोल यस करके सेव करते हैं, ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। और F11 करके हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को अपने रन करते हैं। अब जैसे ही रन किया, अब हमें यहाँ पर 3 times स्टार पैटर्न प्रिंट में मिलने चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्या प्रिंट किया था, 1st line में हमें एक स्टार पैटर्न प्रिंट में मिलना चाहिए, जो कि यहाँ पर मिल गया है, और 2nd line में हमें डबल मिलने चाहिए, यहाँ पर डबल हो गया, और 3rd line में हमें ट्रिपल मिलने चाहिए, जो कि हमारे स्टार पैटर्न प्रिंट हो चुके हैं। तो इस प्रकार से अगर आपको यहाँ पर क्या करना है, अगर आपको यहाँ पर 5 times प्रिंट कराना है, यानी कि अपने लूप को यहाँ पर 5 times तक चलाना है, तो आप सिंपल सा जो भी आप चेंजिंग करेंगे वो आउटर लूप के अंदर करेंगे। इसीलिए हमने क्या किया है, इसको लाइन के इक्वल बना दिया है स्टार को, नहीं तो हम चाहते तो यहाँ पर लाइन की जगह, यानी कि लाइन की जगह हम यहाँ पर सिंपली सा 3 लिख सकते थे, लेकिन फिर हमें दोनों में अपडेट करना होगा, यानी कि हम अपने लूप को 5 times तक अगर आउटर लूप को चलाना चाहते हैं तो यहाँ पर भी 5 करना होगा। इसलिए हमने क्या कंडीशन दे दी है, आउटर लूप में ही हमने कंडीशन बता दी है कि जो भी हमें चेंज करना होगा हमें आउटर लूप में ही करना होगा। अगर हमें 5 patterns प्रिंट कराने हैं तो हमने क्या कर दिया,
फाइव वहां पे कर दिया। अब हमें क्या प्रिंट में मिलने चाहिए, फाइव लाइंस में हमारे स्टार पैटर्न प्रिंट में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन में वन, सेकेंड में टू, थर्ड में थ्री, फोर्थ में फोर और फिफ्थ में फाइव। इस प्रकार से हमारे स्टार पैटर्न जितनी लाइंस नंबर्स ऑफ लाइन बढ़ते जा रहे हैं उतने ही नंबर्स ऑफ स्टार पैटर्न हमारे बढ़ते हुए जा रहे हैं। अब हम इसे ड्राई रन करके देखते हैं। ड्राई रन हम थ्री का करेंगे ताकि हमें आसानी हो और समझ में आ जाए, उसके बाद हम थ्री का करके बताएंगे, आप फाइव का करके देखिएगा। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, अब हमें क्या करना है, ड्राई रन करना है। ड्राई रन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमारा क्या है, हमें जो प्रिंट कराना था वो पैटर्न को प्रिंट कराना था। तो सबसे पहले हमारा आउटर लूप हो गया, यानी कि लाइन वन, उसके बाद जो स्टार पैटर्न प्रिंट हो रहा है वो वन टाइम, यानी स्टार वन प्रिंट हो रहा है। यहाँ पर जितनी लाइंस होगी उतने हमारे स्टार, लाइन टू हो गई तो स्टार हमें कितने प्रिंट में मिलेंगे, यहाँ पर टू मिलेंगे। उसके बाद लाइन थ्री हुई तो स्टार हमें कितने मिलेंगे, थ्री मिलेंगे। अब थ्री मिलेंगे, अब हम देखते हैं ये प्रिंट कैसे हो रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर सिंपल सा क्या कर लेंगे, जो हमारा फॉर लूप था उसको लिख लेते हैं। फॉर लूप में लिखना क्या है, फॉर लूप में सबसे पहले मैंने लिखा था इंट, उसके बाद यहाँ पर हमने लाइन बनाया था जो हमारा आउटर लूप था, लाइन इक्वल वन से स्टार्ट होगी। उसके बाद क्या कर देंगे हम लाइन, उसके बाद लेस देन इक्वल क्या कर दिया था हमने, थ्री, थ्री टाइम्स चाहिए। उसके बाद लाइन की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, प्लस प्लस अपडेट हो जानी चाहिए। उसके बाद इस लूप के अंदर हम क्या लिख देंगे, इस लूप के अंदर हमें क्या लिखना है, एक इनर लूप बनाना है। इनर लूप उसमें हम क्या कंडीशन देंगे, इंट स्टार जो हमारा था, स्टार की वैल्यू वन से स्टार्ट हो। उसके बाद स्टार जब तक लेस देन इक्वल लाइन के नहीं हो जाता है तब तक हमारा लूप क्या होते रहना चाहिए, टर्मिनेट होते रहना चाहिए। लाइन फिर यहाँ पर स्टार करेंगे, स्टार यहाँ पर करेंगे, स्टार प्लस प्लस। उसके बाद क्या करना है हमें, ये यहाँ पर स्टार होगा, उसके बाद हमें क्या करना है, जो भी मैसेज हमें प्रिंट कराना है, यानी कि प्रिंट हमें क्या कराना है, यहाँ पर एक स्टार पैटर्न को प्रिंट कराना है, प्रिंट करा देंगे। उसके बाद फिर हम इस वाले आउट इनर लूप को क्लोज करेंगे। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें एक नेक्स्ट लाइन मिलनी चाहिए। यहाँ पर प्रिंट कर दिया और हमने यहाँ पर बैक स्लैश एन का यूज़ किया कि हमें एक नई लाइन प्रिंट में मिलनी चाहिए। उसके बाद इसे भी क्लोज कर दिया। अब हम इसे क्या करेंगे, ड्राई रन करेंगे कि किस प्रकार से ये वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या था कि हमारी लाइन कितनी है, यानी कि लाइन इक्वल वन है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है, यहाँ पर जो कंडीशन दी गई है, जो हमारी लाइन है वो स्टार्ट कहाँ से हो रही है, वन से हो रही है। तो यहाँ पर क्या कंडीशन देना है हमें, क्या वन लेस देन इक्वल थ्री के है। तो ये कंडीशन हमारी क्या हो गई, लाइन की जगह हमने वन रख दिया क्योंकि इसकी वैल्यू वन से स्टार्ट हो रही है, वन लेस देन इक्वल थ्री की है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सिंपल सा समझ में आ रहा है हमें कि जो वन है वो थ्री से क्या है, छोटा है। तो इसलिए हमारी कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। जैसे ही हमारी कंडीशन ट्रू हुई वैसे ही हमें क्या करना है, हमें इनर लूप के अंदर आ जाना है। इनर लूप के अंदर आएंगे फिर इसकी कंडीशन चेक होगी। इसकी कंडीशन क्या है, क्या स्टार लेस देन इक्वल लाइन के है, यानी कि स्टार की वैल्यू वन है, वन लेस देन इक्वल किसके है, लाइन, लाइन कितनी है, वन नंबर्स है। तो क्या स्टार जो है वो लाइन की इक्वल है, तो ये कंडीशन हमारी बिल्कुल क्या हो गई, ट्रू हो गई। जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई वैसे ही हमें क्या मिल जाएगा, यानी कि स्टार इक्वल भी क्या है, वन के है, यानी कि ये भी लाइन के इक्वल ही है। अब जैसे ही लाइन के इक्वल है हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें एक स्टार प्रिंट में मिल जाएगा। अब कंडीशन ये ट्रू हुई, जैसे ही ट्रू होती है वैसे ही हमारा जो स्टेटमेंट होता है वो एग्जीक्यूट कर जाता है, यानी कि एक स्टार हमें प्रिंट में मिल गया। अब उसके बाद क्या होगा, एक स्टार प्रिंट में मिलेगा, जैसे ही प्रिंट में मिलेगा फिर से ये क्या करेगा, इनर लूप फिर कंडीशन चेक करेगा, यानी कि स्टार प्लस प्लस था तो यहाँ पर स्टार की वैल्यू क्या होगी, अपडेट होगी। अब यहाँ पर वन थी स्टार की वैल्यू, अब वन से क्या हो जाएगी, टू हो जाएगी, यानी कि स्टार की वैल्यू अब क्या हो गई है, वन से बढ़ करके टू हो गई। अब जैसे ही टू हुई उसके बाद ये क्या होगा, फिर ये हमारा जो इनर लूप है ये कंडीशन को चेक करेगा, क्या टू लेस देन इक्वल वन के है। तो ये कंडीशन हमारी क्या हो गई, ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, क्योंकि जो टू है वो वन से बड़ा है, ना वन के इक्वल है, ना वन से छोटा है, बल्कि वन से बड़ा है। अब जैसे ये कंडीशन हमारी फॉल्स हुई वैसे ही हम डायरेक्ट जो हमारा इनर लूप था इससे बाहर आ जाएंगे, इस पूरे से। जैसे ही बाहर आएंगे हमें एक न्यू लाइन प्रिंट में मिलेगी, यानी कि हम यहाँ पर आ जाएंगे, अब इस वाली पोजीशन पर, इस लाइन पर आ जाएंगे, हमारी न्यू लाइन प्रिंट में मिली। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम फिर से आउटर लूप में जाएंगे जो हमारा आउटर लूप था। अब इसमें क्या होगा,
इसकी वैल्यू आउटर लूप में जैसे जाएंगे, फिर डायरेक्ट जैसे ही कंडीशन यहाँ से फॉल्स होगी वैसे ही इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। अब इंक्रीज होने के बाद इसकी वैल्यू 1 थी आउटर लूप की, अब यहाँ पर 1 से क्या हो गई, ये 2 हो गई। अब फिर ये कंडीशन चेक करेगा क्या 2 लेस देन इक्वल 3 है, तो ये कंडीशन क्या हो गई हमारी, बिल्कुल ट्रू हो गई, क्योंकि 2 जो है वो 3 से छोटा है। जैसे ही ट्रू हुई वैसे ही हम फिर से क्या हो जाएंगे, फिर से अपने इनर लूप के अंदर आ जाएंगे। इनर लूप के अंदर आएंगे तो फिर से इसकी वैल्यू 1 से ही स्टार्ट होगी, ये ध्यान रखना होगा हमें। यानी कि यहाँ पर हमारा जो इनर लूप है, अब इसकी वैल्यू फिर से जो स्टार की वैल्यू थी वो 1 होगी। यानी कि अब यहाँ पर फिर से हमें कंडीशन क्या चेक करने को मिलेगा, यानी लाइन हमारी इक्वल क्या हो गई, 2 हो गई, क्योंकि हमने यहाँ पर लाइन की वैल्यू इंक्रीज हुई तो यहाँ पर 1 से क्या हो गई, 2 हो गई। अब उसके बाद जो हमारी स्टार की वैल्यू थी वो अभी क्या है, अभी यहाँ पर 1 ही है, यहाँ पर 1 है, 1 से स्टार्ट होगी। अब यहाँ पर कंडीशन क्या चेक होगा, स्टार स्टार था उसके बाद लेस देन इक्वल लाइन के था, तो यहाँ पर क्या चेक हुआ, जो हमारा स्टार है 1 लेस देन इक्वल लाइन कितनी है, 2 है। ये कंडीशन हमारी ट्रू हुई तो हमारा एक स्टेटमेंट, यानी कि ये हमारा प्रिंट एफ में एक जो हमारा स्टार था वो क्या हुआ, प्रिंट में मिल गया। यानी कि यहाँ पर न्यू लाइन में हमें एक स्टार प्रिंट में मिल गया। जैसे ही प्रिंट में मिला फिर से हम फॉर लूप के अंदर जाएंगे इनर वाले के अंदर, और फिर से ये कंडीशन चेक करेगा स्टार लेस देन लाइन की है, यानी कि वैसे ही हमारी जैसे ही ट्रू हुई उसके बाद हमारे इस स्टार की वैल्यू सबसे पहले अपडेट होगी। अपडेट होने के बाद इसके पास फिर जाएगी, यानी कंडीशन चेक करने के बाद, यहाँ पे 1 थी यानी कि स्टार्ट हमने 1 से किया था, अब 1 से क्या हो गई, 2 हो गई, 2 हो गई अपडेट होने के बाद। तो क्या 2 लेस देन इक्वल 2 है, ये भी कंडीशन हमारी बिल्कुल ट्रू हुई, क्योंकि या तो इससे छोटी होनी चाहिए वैल्यू स्टार की, या तो इसके इक्वल होनी चाहिए, तो यहाँ पर क्या इसके इक्वल है, तो हमारी कंडीशन ट्रू हुई। फिर से हम क्या आएंगे, फिर से जो हमारा स्टेटमेंट है और इनर लूप का वो क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा, यानी एक स्टार हमें प्रिंट में मिल गया। हमने यहाँ पर न्यू लाइन नहीं किया है इसलिए इसी के आगे जस्ट एक स्टार और प्रिंट हो गया। अब जैसे ही प्रिंट हुआ उसके बाद हमारे जो स्टार की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर 2 थी, 2 से अब क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी अपडेट होकर के। उसके बाद ये कंडीशन फिर चेक करेगा क्या जो हमारा इनर लूप है ये स्टार लेस देन इक्वल लाइन के है, तो क्या 3 लेस देन इक्वल 2 के है, तो ये कंडीशन हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। अब कंडीशन हमारी जैसे ही ये वाली फॉल्स हुई इनर लूप की, वैसे ही हमें क्या होगा, एक न्यू लाइन प्रिंट में मिल जाएगा, यानी कि हम यहाँ पर इस वाली लाइन में आ जाएंगे। अब थर्ड लाइन में हम आ गए, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम आउटर लूप में जाएंगे। अब आउटर लूप की वैल्यू क्या होगी, 2 से बढ़कर के 3 हो जाएगी, यानी इंक्रीज हो जाएगी एक। उसके बाद जो हमारा लाइन होगा, अब यहाँ पर हम देखें तो लाइन क्या हो गया हमारा, लाइन इक्वल 3 हो गई। और उसके बाद कंडीशन क्या है हमारी, क्या लाइन लेस देन इक्वल 3 की है, क्या 3 लेस देन इक्वल 3 की है, तो ये कंडीशन इस बार हमारी फिर से ट्रू है, क्योंकि ये 3 के इक्वल है अभी, ना ही इससे छोटी है लेकिन इसके इक्वल है। अब इसके बाद जैसे ही हमारी आउटर लूप की कंडीशन ट्रू हुई वैसे ही हम फिर से किसके अंदर आ जाएंगे, अपने इनर लूप के अंदर आ जाएंगे। इनर लूप के अंदर आएंगे फिर सेम कंडीशन वही रिपीट होगी, यानी फिर से जो हमारा स्टार है ये स्टार हमेशा 1 से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि हमारे स्टार की वैल्यू 1 है। उसके बाद ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फिर से चेक करेगा क्या स्टार लेस देन इक्वल लाइन के है, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारी लाइन की वैल्यू 3 है, तो स्टार की वैल्यू 1 लेस देन इक्वल क्या है, 3 है, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हुई। जैसे ही हमारी कंडीशन ट्रू हुई वैसे ही हमारा एक स्टार प्रिंट में मिल जाएगा, तो यहाँ पर न्यू लाइन में एक स्टार प्रिंट में मिल गया। अब स्टार प्रिंट में मिला, जैसे ही स्टार प्रिंट में मिला यहाँ पर 1 थी स्टार की वैल्यू, वैसे ही अब क्या हुई, स्टार की वैल्यू अपडेट हो गई, स्टार प्लस प्लस था, स्टार की वैल्यू अपडेट हुई। अपडेट होने के बाद क्या हो गई, 2 हो गई। अब जैसे इसकी वैल्यू 2 ही, उसके बाद हमारा जो इनर लूप है वो फिर से कंडीशन चेक करेगा, फिर से कंडीशन चेक करेगा कि 2 लेस देन 3 के है, तो ये कंडीशन हमारी फिर से ट्रू हुई। फिर से ट्रू हुई तो फिर से हमें एक स्टार पैटर्न प्रिंट में मिला, यहाँ पर प्रिंट में मिल गया। उसके बाद फिर क्या हुई, फिर इसकी वैल्यू अपडेट हुई, यहाँ पर 2 थी, 2 से अब क्या हो गई, 3 हो गई। अब जैसे ही 3 हुई इसकी वैल्यू, हमारे फॉर लूप वाले की वैल्यू स्टार की 3 हुई, वैसे ही क्या हुआ, ये फिर से हमारी कंडीशन चेक करेगा जो हमारा इनर लूप है। इनर लूप पे फिर से कंडीशन क्या थी, इसकी वैल्यू फिर से अपडेट होकर 3 हुई, तो 3 लेस देन इक्वल 3 के है, तो ये कंडीशन भी हमारी क्या हो गई, बिल्कुल सेटिस्फाइड कर गई, यानी बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद फिर से हमें क्या होगा, स्टार प्रिंट में मिल जाएगा, फिर से हमें यहाँ पर उसी वाली लाइन में एक स्टार प्रिंट में मिल गया, क्योंकि हम अभी न्यू लाइन पे नहीं जा रहे हैं,
अभी हम इसी लूप के इनर लूप के अंदर ही वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें एक स्टार फिर से प्रिंट में मिल गया। अब इसकी जो स्टार थी इसकी वैल्यू 3 से बढ़कर के अपडेट होकर के 4 हो जाएगी। अब जैसे ही 4 हुई उसके बाद जो हमारा इनर लूप है इसके अंदर फिर से कंडीशन चेक होगी क्या 4 less than equal 3 के है। तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स हुई वैसे ही हमें क्या होगा, हमें जो इनर लूप है उससे एग्जिट कर देगा, यानी कि इनर लूप से हम बाहर आ जाएंगे। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, एक न्यू लाइन मिल जाएगी, यानी कि इनर लूप के बाहर जस्ट हमने कंडीशन लिख रखी है कि हमें एक न्यू लाइन प्रिंट में मिलनी चाहिए। फिर हमें यहाँ पर एक न्यू लाइन मिल गई। अब जैसे ही न्यू लाइन मिली उसके बाद फिर से हम क्या जाएंगे, फिर से हम अपने आउटर लूप में जाएंगे। अब आउटर लूप की वैल्यू यहाँ पर 3 हो चुकी है, 3 हो चुकी है, 3 से अपडेट होकर के डायरेक्ट क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब 4 जैसे ही हुई वैसे ही यहाँ पर चेक होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगी, लाइन की वैल्यू 4 हो गई। अब यहाँ पर लाइन की कंडीशन चेक होगी क्या 3 नहीं 4 लेस देन इक्वल 3 के है, तो कंडीशन हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। अब जब हमारे आउटर लूप की ही कंडीशन फॉल्स हो गई तो इनर लूप में हम जाएंगे ही नहीं, क्योंकि जब हमारी इसकी कंडीशन ट्रू होती तभी हम इनर लूप के अंदर एंट्री कर पाते। तो जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स हुई वैसे ही ये पूरे प्रोग्राम से, यानी कि पूरे फॉर लूप जो हमारा स्टेटमेंट था पूरे से क्या कर दिया, बाहर कर दिया। जैसे ही बाहर कर दिया हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट कर गया और हमें ये स्टार पैटर्न प्रिंट में मिल गए। इसी को हम प्रिंट कराना चाहते थे। तो सिंपल सा क्या हुआ लॉजिक कि जितनी लाइन्स थी उतने हमें स्टार प्रिंट में मिल गए यहाँ पर। तो ये था हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, हमने किस में चेंजअप किया था। और ये ध्यान रखना है जो हमारे आउटर लूप की वैल्यू है, आउटर लूप उसमें लाइन की वैल्यू हमेशा अपडेट होकर ही रहेगी, यानी कि फर्स्ट बार 1 यूज़ किया है तो सेकेंड बार 1 नहीं यूज़ करेंगे, सेकेंड बार वो 2 हो जाएगी और थर्ड बार 3 हो जाएगी, फोर्थ बार 4 हो जाएगी। लेकिन जैसे ये कंडीशन ट्रू होती है फॉर लूप यानी इनर वाले लूप के अंदर आते हैं तो इसका जो स्टार की वैल्यू होगी इनर लूप की वो हमेशा किससे स्टार्ट होगी, 1 से ही स्टार्ट होगी। ये चाहे 3 से स्टार्ट हो या 2 से स्टार्ट हो, लेकिन स्टार यहाँ की इनर लूप की वैल्यू स्टार की वो 1 से स्टार्ट होगी। तभी हमें यहाँ पर स्टार्टिंग से 1 2 3 कर करके हमें क्या होंगे, स्टार पैटर्न प्रिंट में मिलेंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आज का ये टॉपिक आपको ड्राई रन समझ में आया होगा तो आप जो हमारे 5 स्टार प्रिंट में मिले थे तो आप 5 स्टार का ड्राई रन करके खुद से समझिएगा। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।